गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द डे 2 ऑफ द न्यू व्लॉग। तो अभी का न्यूज़ कुछ ऐसा है, अभी हम 6:30 या फिर 6:45 को निकलेंगे अपने माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग। अभी हो रहा है 4:45 सुबह के, एंड बहुत सर्दी है, कपकपी वाली सर्दी एकदम। देख सकते हो मैंने जैकेट पहन रखा है, तो अभी बहुत ठंडी लग रही है। चांद अभी भी उगा हुआ है, पीछे देख सकते हो कुछ ऐसा है, सूरज उग रहा है धीरे धीरे। अभी कहाँ उगेगा वैसे, बट सामने एकदम ऑरेंजिश स्काई हो रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। और लेट्स गो, देखो कौन आया सुबह सुबह मिलने। सनराइज हो चुका है एंड हियर वी गो, अ न्यू डे, अ न्यू डॉन। सो गाइज, नहा भी लिया हमने, तो अभी मैं इकलौता था जो नहा लिया, क्योंकि मेरे को मालूम था कि सर्दी हटाने का एक ही उपाय है, ठंडे पानी से नहा लो एंड परफेक्ट। एंड अभी देख सकते हो हॉस्टली में ठंडी बिल्कुल नहीं लग रही है। लेट्स गो गाइज, रेडी हो गए, चलते एरिया जहाँ पे माउंटेन क्लाइंबिंग होगी या फिर जिपलिंग होगी। चलो चलो लेट्स गो। 29 जा रहे हैं। अच्छा मैं नहा लिया, मैंने सुना अवधेश सर ने बोला था कि नहा लो, मंदिर जाना। थैंक्स टू अवधेश सर। हाँ मैं नहा गया। हम लोग मंदिर नहीं जा रहे, मेजोरिटी नहाए नहीं है ना, इसलिए सिर्फ पंचुअल लोग नहाते हैं यहाँ पे। कोई भी है, बहन आया हूँ। एक बच्चा नहा के आया है? हाँ एक। हाँ मेरे खाली तुम ही नहाओगे? यस। उसका सर्दी लगने, सुबह बिना गीजर के कैसे नहाओगे? क्योंकि सर्दी नहीं लगती ना, फिर ठंड में ठंडे पानी से नहाओ। अबे एक पहला मग डालना, बस वही दिक्कत है। हाँ डे वन हो गया, 40 मिनट का हुआ टोटल, उसके बाद उसको एडिट करूंगा। जिंदगी गले लगा ले, जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगा। पहुंच गए अपने बेस एरिया, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, जिपलाइन, लैडर क्लाइंबिंग, मालिया स्ट्रेकिंग। यहाँ से पूरा व्यू आएगा। रॉक क्लाइंबिंग का तो मेरे को नहीं मालूम, बट जिपलिंग तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा इसकी चढ़ाई अगर करनी हो तो ये तो कर लूंगा। करंट सिनेरियो, हाँ पूरे इंस्ट्रक्शन दे दिए हमें। ये पहाड़ सी देख रहे हो ना, इधर नीचे उतरना है। अब मेरा तो फर्स्ट टाइम है, तो मेरे को नहीं मालूम कैसा है, तो डर तो लगेगा, बट मैं करूँगा। तो इंस्ट्रक्टर्स है, पूरा इक्विपमेंट है, सब कुछ वेल वर्स्ड है, तो मैं तो करूँगा। सब्सक्राइबर फॉलो
कहाँ है आरसीबी का सब्सक्राइबर तो भाई आरसी फैन तो है भाई भाई बना रहे हैं इधर से बना ले आरसीबी कुल सर वो कुल सर अश्विन अश्विन ब्लॉगर की बारी आ गई भाई देखिए कुछ चला दीजिए सर वो कुल सर सर कहाँ गए भाई ये कुल सर को बोल ब्लॉगर की बारी है अरे भाई इसके लिए सबसे ज्यादा भीड़ जमा जय माता दी चढ़ जाओ लॉगर वो हिलाने में तो गिर जाऊंगा ओके ओके थोड़ा पीछे हो जाओ ना ना फिर वो आएगा नहीं अब भी कौन सा आ रहा है अब भी नहीं आ रहा सर और पीछे के जने दिख रहे हैं भाई मुझे भी सर और पीछे के जने दिख रहे हैं भाई इसके तो ऐसे ही आएगा भाई ओए मुकुल सर आ गए उन्हें बोल दे कि हाँ सर सूरज सर जिसने 10 डेमो देखे हैं वो खुद करेगा कहाँ पे पैर कर दूं मैं यार उसको देख के कॉन्फिडेंस आया था इसको देख के और चला गया ऊपर सही से रखो अरे यहाँ रखो यार ऐसे होल्ड करके रखो प्रॉपर और ऊपर अब चढ़ो चल दम लगा पैर रखो ऊपर उसने जूते ही गलत पैर है मजाक मत कर चलो सब लगा ऊपर चलो राइट फीट पकड़ मार रहे चलो चलो दोनों पांव यहीं रख हो गया हो गया स्टॉप होल्ड करो अपने अभी नीचे कैसे क्या कर रहा है नीचे खाई देखो भाई नीचे मत देखना हो गया बस चौप पे आ गए पहुंच गए चल चल चलो पैर के ग्रुप बनाओ आवाज निकालते ना तभी कर पाएगा चल समाज हाँ वेरी गुड लेट्स गो सुनो अब सुनो आगे आने के पास कुछ जल्दी नहीं आराम से पहले खड़े हो हाँ रेस्ट कर थोड़ा खड़े हो और डीप ब्रेथ लो हाँ चल फोटो खींचो लेट्स गो वेरी गुड पहुंच तो गए हो अरे बस बस वीडियो बन रही है बहुत अच्छा रॉक क्लाइंबिंग नहीं कर रहे हो कॉन्फिडेंस अरे फिसल गया फिसल गया अरे भाई अरे भाई भाई साहब ब्लॉगर तो जान तो है बंदे में पहाड़ तो नहीं चढ़ पाया मैं रॉक क्लाइंब नहीं कर पाया क्योंकि जूते की ग्रिप नहीं आ रही थी और ट्राई किया हमने बट नहीं हो पाया तो छोड़ दिया हमने तो रैपलिंग होता है पहाड़ से नीचे कूदना तो हमने दोनों चीज़ एक ही में कर ली और अभी मैंने मैगी खाई है कोल्ड ड्रिंक पिए अब जा रहा टेंट में रैपलिंग का ऑप्शन था बट मैंने जब दोनों कर ही लिए तो वापस धूप में करने का कोई फ़ायदा नहीं बहुत धूप हो रही है बहुत गर्मी है टेंट में जाके आराम करूँगा अब मैं तो चलो लेट्स गो मैगी भी खा ली है ब्रेकफास्ट भी हो गया अब लंच करेंगे और फिर शाम को कंटिन्यू करेंगे
आपका ऐसा है आज अब आफ्टरनून में लंच होगा, देन इवनिंग में और दो इवेंट्स होंगे जैसे कि स्टार गेजिंग पे जाएंगे एंड एक और इवेंट होगा, मैं अभी भूल गया हूँ। तो बस आज का दिन ऐसे ही खाली रहेगा एंड अभी मैं सो जाता हूँ। बहुत गर्मी है दिल्ली में, जैसी गर्मी होती है ना पसीने वाली, चिपचिपी पसीने वाली गर्मी इधर भी है। एंड रात को बढ़िया मौसम हो जाता है शाम और रात को, दिन में इट्स वेरी वेरी डिस्गस्टिंग। मतलब मैं डिस्गस्टिंग इन अ वे कि बहुत ही गर्मी लगती है, बहुत ही स्वेटी है, और टेंट में एक तो बंद बंद में भी बहुत ही गर्मी लग रही है, फैन एसी कुछ नहीं है। सो ट्राइंग टू स्लीप, अगर नींद आ जाती ठीक, नहीं तो फिर लंच में चलेंगे दिखाएंगे क्या खाना है। बाकी सब तो बढ़िया एक्सपीरियंस है, बस ये गर्मी एंड या अभी हो रहे 1:32 और अभी का है कि मैं स्लॉथ बियर की तरह एकदम लेजी की तरफ पड़ा हूँ अपने टेंट में। अब चलेंगे लंच की तरफ और लंच में आई होप कि नहीं, मैं इतना भरोसा है कि वेज ही होगा, नॉन वेज नहीं होगा क्योंकि डिनर में ही नॉन वेज बनाते वो। तो चलो लेट्स, लंच लग चुका है, लेट्स सी क्या क्या है। दाल, कड़ी और ये आलू में, इसमें क्या है, क्या इसमें रायता है, इसमें कुछ आया, लेट मी सी क्या भैया, बिरयानी, चिकन बिरयानी, लेट्स गो। ए खोल के दिखाना, थोड़ा खुल जाएगा क्या, पर दिखा दो ना, लेट्स गो, बहुत ही बढ़िया। गाइस ये है पुलाव वेज वालों के लिए, ले लिया बिरयानी सलान सैलेड, बस लेट्स गो फॉर सम ब्रीफिंग, ब्रीफ होगा, लेट्स गो। गाइस स्पेशल गेम्स तो दिखाता हूँ, लैडर बॉम्बार्डिंग, आर्चरी, बर्ड वॉचिंग, और एक है जम्बू जुमानजी करके कुछ है, जुमारिन करके कुछ है, उसमें पेड़ चढ़ना है शायद। लोगों मैं एक का दिखाता हूँ, अभी लैडर चल रहा है, ये लैडर चढ़ रहा है ऊपर तक जाना, उसका फ्री फॉल है, छोड़ देना। ट्राई किया चढ़ने का लैडर, बच नहीं हो पाया तो हमने छोड़ दिया। एज एक्सपेक्टेड मेरे से ये सब छोड़ा वड़ा जाता नहीं है तो फिर छोड़ दिया, लेट्स गो। मारी ट्री क्लाइंबिंग, ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे आना है, ये इजी काम मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, छोड़। तो गाइज अभी का कुछ ऐसा सीन है, अभी हो रहे 6:00 और आज जैसा कि कुछ कुछ एक्टिविटीज हुई थी वो बर्ड सींग वाला हमने नहीं किया क्योंकि इतने लोग बन भी नहीं रहे थे और मेरे को जिम कॉर्बेट बहुत ही देख लिया था मैंने, मैं गया भी नहीं, तो टेंट में अंधेरा लग रहा होगा, बट इट्स 6:00 ऑल नहीं है, 7 बजे हम जाएंगे नाइट ट्रिप पर, हमारा सेकेंड लास्ट थिंग ऑफ द ट्रिप, नाइट ट्रैक, नाइट वॉचिंग, स्टार गेजिंग, जो भी बोलना है बोल दो। तो अंधेरे में ट्रैक करेंगे, जैसे कल भी किया था, सनसेट देखा था कल, तो आज नाइट ट्रैक। तो चलो मैं तो एक्साइटेड हूँ, अभी आधा एक घंटे में निकलना है, मैं तो मूवी देख रहा था टेंट में, आज पूरा दिन मान के चलो रेस्ट रेस्ट रेस्ट। सुबह सुबह निकले थे पहाड़ी में माउंटेन क्लाइंबिंग, बस उसके बाद रेस्ट, फिर अभी दोपहर में 2-4 एक्टिविटीज हुई, जैसे आर्चरी मैंने की, आर्चरी की, देन लैडर क्लाइंबिंग जो दिखाया था, दो एक्टिविटीज, और ट्री वाला, वो दोनों में से नहीं हुई जेन्युइनली, मेरे को मालूम था नहीं होगी, और मैंने ट्राई भी नहीं किया, यस मैंने ट्राई नहीं किया, मेरे को मालूम था नहीं होना, जब फालतू में दम लगा के कोई फायदा नहीं था। तो अब है नाइट ट्रैक, स्टारगेजिंग, तो चलेंगे जब तो दिखाऊंगा आपको आगे। आज का आई थिंक छोटा व्लॉग बनने वाला है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है ना, तो अभी हम जाने वाले हैं नाइट ट्रैक पर, तो बोला गया है ब्रीफ में इंस्ट्रक्शंस की ज्यादा बोलना नहीं है, तो मैं कम से कम बोलने का ट्राई करूंगा, ठीक है। सो एंजॉय करना, अगर कुछ ढंग का दिखता है तो सीनरी एंजॉय करना, रात को तारे एंजॉय करना, हाँ हाँ, हमारे साथ जो मेन एनिमल जा रहा है बीस्ट, टू बीस्ट आर ट्रैवलिंग, तो एनिमल्स एनिमल्स से अट्रैक्ट होते हैं, चीता चीता से अट्रैक्ट होता है, तो लेट्स गो। चल रहे हो आप लोग, चल रहे हो, अरे बढ़िया, चल साइड हो, उदान शिक्षा केंद्र सर का खेत, रास्ता जंगली जंगल, रात में ही जागते हैं।
मुस्कानें झूठी हैं, पहचानें झूठी हैं, रंगीनी है छाई फिर वे है तन्हाई। कल इन्हीं गलियों में, इन मसले गलियों में तो ये धूम थी। मम्मी कुछ है, कुछ है, कुछ है, कुछ है, कुछ है। अरे हटा ना यार, क्या है कॉकरोच? सर हाथ पे आपके, तो क्या दिक्कत है? रुक, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? सर मेरे को फोबिया है पे। तो गाइस अभी हम एक ऐसी जगह रुके जहाँ पे बैठे हैं, बगल में पूरा सुनसान अंधेरा जंगल, तो भी थोड़ा वेट लिया है। ओके नीचे रखो। ओके अभी पहाड़ चढ़ना है, मेन आइटम ऑफ द आइटिनरी। ये टॉर्च कौन ऑन कर रहा है? टॉर्च ऑन नहीं होगी। चलो अब सब लोग शांत में चलेंगे, अब डिस्टेंस नहीं बनाएंगे। ये मोमेंट मैं एडिटिंग करते समय बताना चाहूँगा, ये मोमेंट बहुत ही वाइल्ड मेरे लिए था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखो जुगनू भी देखे यहाँ पर, एंड कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुई। नेगेटिव एनर्जी मेरे को फील हो रही थी उस जगह,
फर्स्ट चीज जो कॉकरोच आया मेरे फोन पर, आई थिंक दैट वॉज अ कोइंसिडेंस, प्लस वाइल्ड बोर की आवाज़ें आई. तब वाइल्ड बोर की आवाज़ें आई वॉज लाइक एक्साइटेड कि यार चलो कोई जंगली जानवर देखने मिलेगा. बट वाइल्ड बोर क्या होता है, जैसे लायन किंग में आपने टाइमन और पुम्बा देखा होगा, तो पुम्बा होता है, उसकी बड़ी बड़ी सींगें होती है, बहुत ही खतरनाक. कांतारा मूवी देखी होगी तो उसमें भी वाइल्ड बोर था. सो आई वॉज लाइक ओके अगर ये सामने आ गया तो क्या करूँगा अब. उसके बाद मेरे को बहुत ही नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव वाइब आ रही थी उस जगह से. अब गए हैं तो चलना भी था, पीछे भी नहीं जा सकते थे और पीछे बहुत भीड़ थी, बट हम लोग ग्रुप में थे तो हमारी एक पॉजिटिव थिंग था. बगल में खाई थी, पतली पतले रास्ते थे, कभी कभी जूता भी स्लिप हो रहा था. आई वॉज लाइक यार क्या होगा, आई डोंट नो, बट दिस वॉज द वाइल्डेस्ट थिंग आई एवर डिड. रात को एक सुनसान जंगल में, और पता नहीं कितने स्पिरिट्स होंगे उधर, गॉड नोस, क्या मेरे अंदर भी कोई स्पिरिट आ गया होगा. अभी सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, रेस्टिंग टाइम. बट स्टार्स दिख रहे, पिक्स लिए मैंने, वीडियो में नहीं दिख रही होगी इसलिए. बहुत ही वाइल्ड था ये. चलो रोड पे आ गए, फाइनली हैप्पीनेस. अब बॉनफायर सेकेंगे और अब ऑफ टू डिनर. बॉनफायर एरिया सेफ एरिया, फिर डिनर. पास्ता, रेड सॉस, व्हाइट सॉस, पनीर टिक्का, गार्लिक ब्रेड और फिश. वो क्या, फ्रेंच फ्राइज, कस्टर्ड.
वो क्या है वो चिकन टिक्का ये हुई ना बात लेट्स गो सब कुछ ले लिया पनीर टिक्का चिकन टिक्का पास्ता फ्रेंच फ्राइज बहुत ही टेस्टी है सबके सब रियली रियली गुड रियली गुड गाइस आज के इस व्लॉग में बस इतना ही कल और भी मजे होंगे कल होगा वाटर स्पोर्ट्स वाटरफॉल पूल एंड एक्सेट्रा और कल रिटर्न डे तो हम मिलेंगे कल सुबह एक नए एक्साइटिंग व्लॉग के साथ आज तो बहुत ही हेक्टिक डे था नाइट ट्रेक ने तो बहुत थका दिया सही बता रहा हूँ ये आगे था हम मतलब मैं ये और एक टीचर आगे थी तो आज की इस व्लॉग में बस इतना ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गाइस बाय आदित्य भाई बाय कर दे बाय बाय बाय